नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं निधि आपके साथ। उपचुनाव से ठीक पहले अभी तक तो नेताओं के कार्यकर्ताओं के दल बदलने का दौर लगातार जारी था, लेकिन अब पार्टियों का दलों का विलय भी शुरू हो चुका है। ग्वालियर चंबल संभाग से जुड़ी दो पार्टियां लोक समता पार्टी और संपूर्ण समाज पार्टी का भाजपा में विलय हो गया है। ये विलय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में हुआ और इसे लेकर अब कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। साफ साफ हम देख सकते हैं कि भाजपा को मजबूती मिलती जा रही है, लेकिन कांग्रेस इसे किस तरह से देखती है ये देखना भी लाजमी होगा। तो सबसे पहले कांग्रेस की प्रतिक्रिया ही हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की ओर से राजेश चौक से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, स्वागत आपका। और जिस तरह से पार्टियों का विलय हो रहा है, भाजपा में शामिल हो रही है पूरी की पूरी पार्टियां, क्या लगता है आपको, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी इस पर? मेरा ऐसा सोचना है, भाजपा के जो दिग्गज लोग हैं, के एन अग्रवाल है, सतीश सिकरवार है, और बसपा और इनके जो टीम लोग हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस में आ गए हैं। ऐसे में भाजपा तोड़ मरोड़ करके इन लोगों को भाजपा में शामिल करा रही है। इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज की परिस्थितियों में 16 में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की कांग्रेस जीत रही है। जी राजीव जी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग अगर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, या यूं कहें कि पूरी की पूरी पार्टियां जो है वही भाजपा की ओर रुक कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ रही है? नहीं नहीं, ये चुनाव पार्टी लेवल का है ही नहीं। जो चुनाव है ये बीजेपी नए नए हथकंडे कर रही है। मेरा ऐसा मानना है कि लोगों ने अपना मन बना लिया है। कमलनाथ जी के जो 15 माह थे और उनका 11.5 महीने का जो समय था और उन्होंने जो काम किए हैं उसको लोगों ने पसंद किए हैं। इन चीजों से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा करने के लिए। तो कांग्रेस का साफ कहना है कि भले ही लोग शामिल हो रहे हो बीजेपी में, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी अब इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की ओर से रजनीश अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ है। रजनीश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह पार्टियों का विलय हो रहा है, भाजपा को मजबूती मिल रही है, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, हिंदी में एक कहावत है ना कि छोटन में देखे लगे और गांव करें गंभीर। तो ये दल भले ही छोटे कहे जाते हों, उनके जनाधार के स्तर पर या उनके आकार के स्तर पर, लेकिन ये दल उस इलाके में बड़े महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक तौर पर बड़ा लाभ होगा और कांग्रेस की ताबूत में ये आखिरी कील लगाने वाले दल बनेंगे। जी रजनी जी, और कांग्रेस की ओर से और भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से भाजपा ने धोखे से सत्ता हासिल की है, जिस तरह से ऑफर्स देकर लुभावने वादे कर बीजेपी की ओर आकर्षित किया जा रहा है लोगों को, तो कुछ ऐसा ही इस बार भी हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पप्पू बुद्धि से चलने वाली पार्टी कांग्रेस को संपत्ति नहीं पड़ता कि जीता जागता इंसान जनता से चुन के आया होगा, जनप्रतिनिधि उसका भी मान सम्मान स्वाभिमान होता है, उसकी हत्या ये करते हैं। वो उसकी जनता की आकांक्षाओं अपेक्षाओं की पूर्ति कराना चाहता है, विकास जन कल्याण कराना चाहता है, सुशासन देना चाहता है, ये करते नहीं है। आते हैं तो लूट खसोट मचाते हैं, जब इनको छोड़ के चले जाते हैं तो ये चिल्ला चौंट करते हैं। इससे काम चलने वाला है नहीं। ये परिपक्व लोकतंत्र है, वो दौर चला गया। कमलनाथ जी अभी उसी दौर में जी रहे हैं कि जहां जो ये कहेंगे वही सही, ना खाता ना भाई, ऐसा अब होने वाला नहीं है। और जनता ने इनको सबक सिखाना का काम शुरू लोकसभा चुनाव में कर दिया था। इनके चिरंजीव श्रीमान नकुलनाथ जी भी हारते हारते बचे थे, 30-35 हजार वोटों से मात्र जीत पाए थे छिंदवाड़ा अपनी लोकसभा में। और आप मध्य प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, उन चुनाव में करारा जवाब कमलनाथ जी को भी मिलेगा, जो इन्होंने इस मध्य प्रदेश की जनता के साथ में मक्कारी की है उसका परिणाम इनको भोगना पड़ेगा। छल कपट प्रपंच रचे हैं उसको भोगना पड़ेगा। जनता को ये नादान ना समझें, और कम से कम मेरी विनती है कि कांग्रेस के लोग जनता को राहुल गांधी ना समझा करें। जी रजनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया हमारे चैनल के माध्यम से सबके सामने रखने के लिए। तो भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है, लेकिन दो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का भाजपा में विलय होना, भाजपा को मजबूती जहां मिल रही है एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की परेशानियां भी बढ़ती नजर आ रही है। और खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग जो कि हॉटस्पॉट है, हॉट सीट है, विधानसभा उपचुनाव में सबसे ज्यादा सबका ध्यान ग्वालियर चंबल संभाग पर ही टिका हुआ है। और ऐसे में दो पार्टियों का भाजपा में
मिल जाना कांग्रेस की मुश्किलें जरूर यहां पर बढ़ती नजर आ रही है। खैर, मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है, क्या कुछ होंगे नतीजे ये देखना भी लाजमी होगा। एमपी न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों का सिलसिला एमपी न्यूज पर जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।